अगर ऐश करने हैं तो फिर मैं सूरत कुरैश की इजाजत दूं, और नहीं करने तो तेरी मर्जी। सूरत कुरैश नस्लों तक चलती है, नस्लों। मेरी बात याद रख। खुशकिस्मत है जिसकी जुबान पे सूरत कुरैश चढ़ गई है, खुशकिस्मत है जिसके ऊपर सूरत कुरैश आ गई है, खुशकिस्मत दिल है जिसके ऊपर सूरत कुरैश गालिब हो गई है, खुशकिस्मत घर है जिसके अंदर सूरत कुरैश पढ़ी जाती है, खुशकिस्मत कबीला है जिसमें सूरत कुरैश पढ़ने वाले हैं, खुशकिस्मत जुबान, घर, दिल, जिस्म, जहां सूरत कुरैश जारी होती है खुशकिस्मत है। आपको याद है जो बंदा खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है, और भी दुआएं हैं, और एक बार सूरत कुरैश पढ़ेगा अल्लाह पाक जल्ला शानू खाने को जहर नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा, खाने को बीमारी नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा। खाना कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फला फला नहीं, अल्लाह उसको सेहत बनाएगा जो एक बार पढ़ेगा, और उस खाने से जो ताकत मिलेगी अल्लाह उसको नूर, नूरानियत, रूह, रूहानियत, इबादत में खर्च कराएंगे जो एक बार पढ़ेगा। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा खाने के बाद अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा, उसका खाना देगा, और खुदा लाजवाब खाने और रिस्क बेबहा हो जाएगा, और लाजवाब खाने होंगे, दस्तरखान वसी होगा, रिस्क बेबहा हो जाएगा। और जो तीसरी और आखिरी दफा खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ेगा अल्लाह उसकी सात नस्लों को खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, पहनाएगा भी सही। ये तो खाने के बाद सिर्फ तीन बार की